नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है घोस्तावा, जहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में कांति देवी जनता की अदालत में है। कांति देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 2001 में पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने पंचायत में मुखिया के पद पर सुशोभित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पंचायत समिति के पद पर भी सेवा देने का मौका मिला। पंचायत की जनता ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने निभाया और पंचायत में विकास का काम किया जो जनता के बीच मौजूद है। पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है। कांति देवी पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं घोस्तावा पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि मेरे पूर्व के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए अगर मैं उस लायक हूं तो एक बार कांति देवी को मुखिया चुने। निश्चित तौर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि पंचायत का बेहतर विकास होगा। के सिलाव प्रखंड में जहां से एक मुखिया उम्मीदवार हैं अनिल सिंह जी, अनिल कुमार सिंह जी, यह घोस्तावा पंचायत से मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी 2001 में मुखिया के पद पर सेवा दिए हैं, बीच में भी ये पंचायत समिति के पद पर दोनों पति पत्नी सेवा दिए हैं। इस बार पुनः पंचायत के चुनाव में मुखिया के रूप में जनता के अदालत में हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर घोस्तावा पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन इन्हें पंचायत के मुखिया के पद पर सुशोभित करती है तो यह किस तरह से विकास का काम करेंगे और जनता को किस तरह से योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। जी बताएं। सबसे पहले तो हम घोस्तावा पंचायत की जनता के प्रति इस बात का आभार करते हैं जी कि पिछले बार भी हम चुनाव हारे मात्र 4 वोट से पंचायत समिति में, जबकि हमने वोट नहीं मांगा था किसी से। हमने कहा था कि मुखिया बना दो, हम सिटिंग मेंबर हैं इसलिए हम नॉमिनेशन किया है। जब काउंटिंग में भी नहीं रहे फिर भी हम, जब अनाउंस हुआ तब हमको लगा कि तो बड़ा फेरा हो गया, 4 वोट से हम हार गए। और श्रीमती कांति देवी जो हमारी पत्नी के रूप में है, उन्होंने भी चुनाव लड़ी जात पात के राजनीति में और 76 वोट से हम उस बार चुनाव हारे। लेकिन हमको इस बात का विश्वास है कि घोस्तावा पंचायत की जनता जो भी गरीब है, कमज़ोर है, अपने को असहाय महसूस करता है, वो तो निश्चित तौर पर हमको साथ उस बार भी दिया है और इस बार भी पूरे जोश खरोश के साथ देना चाहती है। क्योंकि आपके पंचायत में हम लोगों ने देखा रास्ते के बहुत बुरा हाल है। सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बहुत सारे पंचायत में उस योजना के माध्यम से विकास हुआ है। आपके यहाँ किस तरह का विकास हुआ है? इस विकास के बारे में तो हम अगर एक प्रत्याशी के रूप में अगर कुछ भी बोलेंगे तो ये गलत संदेश जाएगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप स्वयं इस पंचायत को देख करके सर्वे कर लीजिए कौन सा योजना कहाँ काम हुआ। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए घोस्तावा पंचायत के जनता जनार्दन और नौजवान साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस हम यही अपील करना चाहेंगे, उस बार भी हमने कहा था, हमारा नारा था जात नहीं जमात चाहिए, शांति और विकास चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे गलत तत्व के लोगों ने मिसगाइड किया, बरगलाया, लोभ लालच दिया, पैसे का, कौड़ी का, सब कुछ का हुआ खेल हुआ, जिसके चलते मैं चुनाव हारा था। और आज की जनता उस बात से पश्चाताप कर रहा है और जिन्होंने हमारा विरोध किया था मैं देख रहा हूँ। और अभी तक पंचायत में, पूरे पंचायत में कई दिनों। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।